हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रेड वेलवेट केक की रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी एकदम सिंपल मेथड में। वरना जो रेड वेलवेट केक का जो मेथड है वो एक्चुअली ऑथेंटिक मेथड ये होता है कि हमें जो केक है उसी के ही पार्ट को स्क्रम्बल करके उसको ही हमें पूरा डेकोरेशन में मिक्स करना रहता है। इससे हमारे जो केक होता है उसका बहुत सारा पार्ट वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जनरली आइसिंग और आउटर जो पार्ट है वो लोग ज़्यादा खाना नहीं चाहते, और हमारा जो केक का 1/4 पार्ट है वो तो हमारे वेलवेट केक के डेकोरेशन में चला जाता है। तो आज मैं आपको एक यूनिक मेथड बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आइए सबसे पहले हम केक बना लें। उसके लिए एक बाउल में मैंने 1/2 कप रिफाइंड ऑयल डाला है। आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल एक्सेप्ट मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल छोड़ के। फिर मैंने यहाँ पे 1 कप यानी 250 ग्राम मैंने यहाँ पे पाउडर्ड शुगर ली है। सिंपल शुगर को आप मिक्सी ग्राइंडर में सूखा चला लें और आपको पाउडर्ड आइसिंग शुगर मिल जाएगी। दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये अच्छे से इमल्सिफाई हो जाए। फिर हमें 1 कप दूध को थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, और हमारा ये जो मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून अपना एसेंस। आप यहाँ पे चॉकलेट एसेंस, वेनिला एसेंस, जो भी फ्लेवर्ड है वो डाल सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाला है सिरका या लेमन का जूस, जो अवेलेबल है वो आप डालें, मिक्स करके साइड में इसे रख दें। अब हम बनाएंगे अपना ड्राई इंग्रेडिएंट। उसके लिए मैंने फिर एक छन्नी ली हुई है, उसमें मैं यहाँ डाल रही हूँ ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी मैदा 1 कप, और इसमें मैं डालूँगी 1/4 कप कोका पाउडर। कोका पाउडर बहुत ईजिली अवेलेबल है, ये आप ज़रूर मिक्स करें। ये 1/4 कप मैंने डाला है, देख सकते हैं आप। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 स्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 स्पून बेकिंग सोडा। ये चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि इनकी जो क्वांटिटी है वो आप यही डालें, ज़्यादा ना बढ़ाएं। इन सारे चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स करके साइड में करें। ये दोनों मिक्सचर हमारा रेडी है। अब हमें वेट इंग्रेडिएंट में थोड़ा थोड़ा ड्राई इंग्रेडिएंट डाल के इसे मिक्स करना है, ताकि जो मैदा है वो अच्छे से हमारे वेट इंग्रेडिएंट में मिक्स हो जाए। कभी भी ओवर मिक्सिंग ना करें, सिर्फ हमें मैदा को अपने वेट इंग्रेडिएंट में मिक्स करना है कि कोई भी लम्स ना हो। ये हमारा जो मैदे का मिक्सचर है वो पूरा अच्छे से केक का बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपना कलर। कलर के लिए यहाँ पे मैं जेल कलर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास जेल कलर अवेलेबल ना हो तो आप बीट रूट भी डाल सकते हैं, उसका जूस निकाल के, यानी चुकंदर का रस भी डाल सकते हैं। अच्छे से आप इसे मिक्स कर लें। मिक्स करने में आप हमेशा ध्यान रखें, कभी भी ओवर मिक्सिंग ना करें, ज़ोर ज़ोर से बहुत जल्दी मिक्स ना करें। सिर्फ हमें कट एंड फोल्ड मेथड से ही इसे मिक्स करना है, क्योंकि जब हम सोडा इसमें डाल देते हैं तो इसमें जो होते हैं वो सोडा के पॉकेट्स बन जाते हैं, और उसे हमें ब्रेक नहीं करना होता है। उसी से जो हमारा केक है वो स्पॉन्जी, फ्लफ़ी और हमारा फूलता है केक। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। यहाँ पर मैंने पहले से ही टिन को ग्रीस करके अपने OTG में रख लिया था, और उस OTG को मैंने पहले ही हीट कर लिया था। अब इसको आप सावधानी से निकालें, बहुत केयरफुली करें, क्योंकि ये गर्म होता है। और 1/2 दोनों टिन में आप अपने केक के बैटर को पोर करें। इन सब चीज़ों को आप ये ध्यान रखें, क्योंकि आप अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपके हाथ को जलने का चांसेस है, इसलिए आप बहुत ही केयरफुली करें। पोर करने के बाद आप 3 से 4 बार आप इसे टैप कर लें, ताकि जो बबल्स हैं वो ब्रेक हो जाएं, इसमें कोई ऊपर बबल्स ना आए, और हमें अच्छा सा हमारा जो केक है वो बनकर तैयार हो। याद रखें, हमेशा OTG या माइक्रोवेव जो भी है आप इसे प्री हीट ज़रूर करें, और इसे आप अपने अकॉर्डिंगली अपने माइक्रोवेव OTG के टेम्परेचर में बेक करें, मैक्स 200 डिग्री से कम 20 से 25 मिनट के लिए। ये अब तब तक हम बना लेते हैं इसके अदर पार्ट का डेकोरेशन, यानी वेलवेट एरिया है वो जो मेन है। इसके लिए यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत ही शॉर्ट मेथड लिया है, बहुत ही ईजी मेथड है। हमारा केक तो तैयार है। हम इस केक को अपना क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे एक शुगर सिरप से हम थोड़ा सा इसे मॉइस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने रोज़ का वाटर थोड़ा सा डाला है अपने शुगर सिरप में, यानी आपके पास अगर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा हो तो आप वो डाल सकते हैं, और अगर ना हो तो सिंपल शुगर सिरप से भी आप कर सकते हैं। वो जो मैंने आपको ब्रेड दिखाया हुआ था, मैंने 1/2 ब्रेड को इस तरीके से मिक्सी में पीस लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पाउडर्ड रेड कलर। यहाँ पे आप जेल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास बहुत ब्राइट सा जेल कलर नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे पाउडर्ड कलर डाला है। आपको जो भी कलर का बनाना है वेलवेट, आप वो कलर आप इसमें मिक्स करिए, और बहुत ही अच्छे से अपने हाथों की हेल्प से इसे अच्छे से मैश करते हुए इस कलर को स्प्रेडली इसे पूरा अच्छे से अपने ब्रेड क्रम्बल में अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
सिंपल ये हमारा जो ब्रेड क्रम्स होता है ये वही है, जो ब्रेड है वो नॉर्मल सी ब्रेड है जो इजीली अवेलेबल होती है, उसे ही मैंने मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये मेरा व्हीट क्रीम है, ये मैंने पहले से ही बीट करके फ्रिज में रखा था। अब हम सबसे पहले एक कार्डबोर्ड लेंगे, उसमें मैंने थोड़ा सा नीचे लगाया है ताकि जो मेरा केक है वो स्टेबल रहे, वो गिरे नहीं। फिर जो मेरा केक जो मैंने बनाया हुआ है अपना वेलवेट केक, उसका एक पार्ट को मैं यहाँ पे रख दूँगी और इसे मैं अच्छे से अपने व्हीट क्रीम जो है मैंने किया हुआ है व्हीप क्रीम को, उसे मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। एक लेयर मैं बहुत अच्छे से लगा लूँगी, इवनली लगा लूँगी। आप पहले से ही इसको इसकी प्रिपरेशन को करके रख सकते हैं, इससे आपका बहुत सारा समय बच जाता है। ये मैंने एक दिन पहले ही कर लिया था, व्हीप क्रीम को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। व्हीप क्रीम कैसे बीट करते हैं ये वीडियो अगर आपको देखना है आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को जाके देख सकते हैं। अच्छे से जब क्रीम इसमें ओवर अच्छे से लग जाए, ओवरऑल आप बहुत अच्छे से इसे स्प्रेड कर दें, उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा रोज़ सिरप। रोज़ सिरप अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज़ सिरप डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। थोड़ा सा रोज़ सिरप को मैंने यहाँ पे पोर किया हुआ है और यही रोज़ सिरप को मैंने थोड़ा सा पानी में डाल के इसी का ही सिरप बनाया था केक को स्पॉन्ज करने के लिए। इसे अच्छे से आप थोड़ा यूनिफॉर्मली मिक्स कर दें और इसके बाद आप दूसरी लेयर लगा लें अपने केक की, सेम एज इट इज़ सेम प्रोसेस आपको करना है। फिर आपको केक को रख के फिर से व्हीप क्रीम के साथ आपको पूरा अच्छे से स्प्रेड करना है ताकि जो आपका जो केक है वो पूरा का पूरा कवर्ड हो जाए आपके व्हीप क्रीम के साथ। ये करना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत करने में मज़ा आता है, आप भी ज़रूर करें। और घर का बनाया हुआ केक तो किसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस केक में हमारी मेहनत तो रहती है लेकिन साथ में हमारा प्यार भी रहता है। तो अपने घर के कोई भी फंक्शन में आप भी इस तरीके से केक बनाइए, ये बनाना बहुत ईजी है। एक बार आप बनाएंगे आपको बार बार बनाने का मन करेगा। इस तरीके से व्हीप क्रीम जब आपके केक में पूरा अच्छे से लग जाए तो इसे हम थोड़ी देर के लिए 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखेंगे। फिर फ्रिज से निकालने के बाद फिर से एक लेयर मैंने, जैसे आप देख रहे हैं वैसे मैंने व्हीप क्रीम की लगाई और इसे मैंने एक स्क्रैचर की मदद से फ्लैट सा जो होता है उससे मैंने इसे यूनिफॉर्मली कर लिया। अब ये जो हमारा जो ब्रेड क्रम्स है जिसमें मैंने कलर लगाया था उसे आप इस तरीके से टैप करते हुए, हल्का सा टच करते हुए आप अपने पूरे केक में इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिए। यही मेथड है आपका रेड वेलवेट केक के बनाने का। देखिए सारा का सारा जब मैंने पूरा का पूरा लगा दिया तो ये कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है और आपको ये आपका केक वेस्ट नहीं होगा। सबसे मेन हमारा यहाँ पे जो बनाने का जो मेरा पॉइंट है वो यही है कि जो आधा केक होता है उसी को हम मैश करके उससे डेकोरेट करते हैं, तो ये हमारा जो केक है वो वेस्ट नहीं होगा और आपको रेड वेलवेट केक भी मिल जाएगा। तो है ना ये बहुत ही आसान तरीका रेड वेलवेट केक बनाने का। नहीं तो क्या होता है, आप केक बनाते हैं उसका 1/4 केक जो है वो तो आपको स्क्रम्बल करके आपको पूरा अपने डेकोरेशन में ही यूज़ करना रहता है और बाद में वो जाता है डस्टबिन में, क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं वो जो बड़े लोग होते हैं वो व्हीप क्रीम खाना पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ केक खाते हैं। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट मेथड है रेड वेलवेट केक बनाने का। ये मैंने फोंडेंट से फ्लावर्स बनाए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये फोंडेंट के फ्लावर्स कैसे मैंने बनाए हैं तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, जाके आप देख सकते हैं। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से आपको होममेड फोंडेंट बनाना सिखाया गया है। आप अपने मन चाहे शेप के ये फ्लावर्स बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली फोंडेंट से डिज़ाइन, इनोवेटिव डिज़ाइन बना के आप अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं। बस ये मैंने भी ऐसे रोजेस बनाए हुए हैं, वाइट कलर के रोजेस मैंने बनाए हैं क्योंकि यहाँ मैंने रेड कलर का वेलवेट केक बनाया, उसमें वाइट रोजेस बहुत प्यारे लगते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे वाइट बनाए। अगर आप चाहें तो इसमें कलर मिक्स करके भी आप अपना इनोवेशन दिखा सकते हैं। इस तरीके से आप अपना रेड वेलवेट केक बनाइए और अपने घर वालों को जल्दी से जल्दी सरप्राइज्ड करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी, आपको ये मेरा शॉर्टकट मेथड कैसे लगा, आपको मेरा ये आइडिया कैसे लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।